इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती है खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि 2023 में वो कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ेंगे। नड्डा देर से जागे लेकिन दुरुस्त जागे। जेपी नड्डा के अंदर अगर इतनी काबिलियत होती तो वह अपना गृह राज्य हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव नहीं हारते। यहाँ पर यह बताना लाजमी है कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और वहाँ 68 सीटें विधानसभा में हैं, जिसमें भाजपा को मात्र 25 सीटें मिली और कांग्रेस ने 40 सीट जीतकर हिमाचल में सरकार बना ली। हिमाचल में 3 निर्दलीय विधायक भी जीते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से नड्डा जीत का दावा कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जीत के सारे फार्मूले इनके जेब में पड़े हैं। जेपी नड्डा एक अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे मैनेजर या एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में कभी नजर नहीं आए। देश के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार है तो उसमें बहुत कुछ योगदान, बहुत कुछ प्रबंधन का दारोमदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का है। जेपी नड्डा तो रबर स्टाम्प के रूप में है। यदि 2023 के आसन्न विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रणनीति नहीं बनाई तो जेपी नड्डा के दम पर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव नहीं जीते जा सकते, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गृह राज्य में पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकता, वह व्यक्ति दूसरे राज्यों में चुनाव कैसे जीता पाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्रिया कलापों से कभी ऐसा नहीं लगा कि वे एक बहुत सक्रिय और ऊर्जावान अध्यक्ष हैं। जो अध्यक्ष अपने गृह राज्य में सरकार रिपीट न कर सके उसके बारे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितने योग्य, कितने कर्मठ और कितने क्षमतावान व्यक्ति हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।